सुपर लग रही हो, एकदम ट्रेंडी एंड हिप। यू नो व्हाट, आप ना मेरी चाची कम फ्रेंड ज्यादा लगती हो। थैंक्स बच्चा। तुम्हारी मॉम कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? और नाश्ते की भी खुशबू नहीं आ रही है कहाँ दीदी? सुनीति, मेरा ना बहुत ज्यादा सर दुख रहा है, तबीयत भी बहुत नरम सी लग रही है। आज शायद मैं नाश्ता नहीं बना पाऊंगी, तुम ही बना लेना। ये फिर भी ठीक है, यही बहाना ठीक रहेगा। दीदी, दीदी, क्या क्या करूं? रो जाती हूं। दीदी, सुनीति, तुम कब आई? दीदी मैं जल्दी में थी, टकरा गई, गिर गया, लाइए मैं उठा देती हूँ। दीदी आप छोले बनाना भूल गई क्या? बाकी का नाश्ता भी रेडी नहीं है। मैं आज नाश्ता नहीं बना पाऊंगी। तुमने वैसे पूछा भी तो नहीं? पूछा नहीं है तो? आज तक मैंने आपसे कुछ पूछा है, बस बता दिया और आपने बना दिया, तो फिर आज क्या हुआ? आपको पता था ना कि मेरी किटी पार्टी है, फिर आपने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? वो क्या है ना सुनिधि, मैं किसी और काम में बिजी थी तो टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। हाँ, और आपको? अच्छा बताइए दीदी, ऐसा कौन सा काम आ पड़ा कि आपको टाइम नहीं मिला? वो फर्नीचर, अलमीरा वगैरह ये सब साफ करने लग गई थी। क्या है ना, इतनी धूल थी इन सब में, मुझे खांसी भी होने लगी और बहुत जोर से सर चकरा रहा था। अगर तुम मुझे ये बातें पहले बता देती ना तो मैं शायद कुछ। अब झूठे बहाने बनाना बंद कीजिए दीदी, साफ सफाई का काम तो मैंने शालू को सौंपा था, आपको तो हर बार की तरह सिर्फ किचन संभालना था। हाँ सुनिधि, लेकिन कचरा इतना सारा था। रियली दीदी, आप अभी भी मेरे से बहस कर रही हैं? जरा घड़ी देखिए, 3 बज गए, 1 घंटे में मेरे सारे गेस्ट आ जाएंगे, आपने सब कुछ चौपट कर दिया। वो मैं क्या करूं, खैर मैं कोई बहाना बना दूंगी। आप फटाफट काम पे लगिए और 1 घंटे में जल्दी जल्दी कुछ बना दीजिए, ठीक है? सुनिधि, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। मैंने कहा ना आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी। ओ समझी, आप ये सब कुछ उन 4 सिली रोटियों के लिए कर रही है ना? तो तुमने अपनी गलती मान ली सुनी थी, तमाशा तो तुम्ही ने खड़ा किया था। तमाशा? दीदी मैं तो बस... सुनी थी, तुमने उस दिन जानबूझकर महेन के और पूरे परिवार के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, मुझे शर्मिंदा किया। मैं महेन से बार बार कहती रही कि मैंने आपके टिफिन में रोटियां पैक की हैं, मैंने खुद अपने हाथों से की, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी तुम चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। ओफ़ वो दीदी, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हैं? 1 घंटे में मेरी किटी पार्टी, इतनी बड़ी इमरजेंसी है और आप
आप वो स्टुपिड से चार रोटियों के लिए इतना बड़ा तमाशा बना रही है? यही तो आपको आता है ना, या तो तमाशा बनाना या खाना बनाना। कोई तमाशा नहीं बना रही हूँ सुनिधि, मैं तो सिर्फ सच कहने की कोशिश। सच तो ये है दीदी कि आप तमाशा नहीं मुझसे बदला लेने पर उतर आई, वो भी मुझसे। दीदी दीदी करते हुए मेरी जबान नहीं थकती और आप मुझसे बदला ले रही है। खैर, मैं ही अंधी थी जो कि आपका असली चेहरा नहीं देख पाई। सुनिधि तुम क्या? नहीं दीदी, मैं अब आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। आज पहचान गई मैं आपको, आपकी असलियत को। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया आपने, वो भी लास्ट मोमेंट पर। ओह गॉड, याद रखूंगी मैं इसे दीदी। चाची आपकी फ्रेंड्स आ गई। गॉड, गेस्ट्स भी आने शुरू हो गए। आपको क्या लगता है दीदी, आप नाश्ता नहीं बनाएंगी तो मेरी किटी पार्टी सक्सेसफुल नहीं होगी? आई विल शो यू।